हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी लैंड लॉ की क्लास है। लैंड लॉ की क्लास में सिंपल सा चीज़ें जो हम देखेंगे वो हमारा जो आएगा वो धाराओं के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे, धाराओं के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से कौन से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन आपके जो है ऐसे कह सकते हो कि आपको जो लैंड लॉ के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके आपके क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से पहले हम इन क्वेश्चन को पढ़ के वहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे और आपको समझना होगा कि क्वेश्चन कैसे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप पेन कॉपी लेके रख सकते हो, आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 किन क्षेत्र में लागू होता है और किन क्षेत्र में नहीं लागू होता है। तो यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन क्या बनता है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता आपका कब हुआ, ये एक्ट आपका कब हुआ, तो आपका 2006 में ये आपका एक्ट हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की जो धारा एक है उसमें किस चीज़ को बताया गया है, धारा एक में क्या बताया गया। तो धारा एक में ये बताया कि इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। तो आपके जो है परिचय से ही आपके केवल दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जा रहे हैं। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे कि धारा दो जो आपका है वो संहिता का लागू होना है। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं कि जो आपने धारा एक में देखा कि यह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं। वो अपवाद क्या है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, यह धारा 8 और धारा 9, मतलब अध्याय 8 और अध्याय 9 को छोड़कर और कहाँ पे नहीं लागू होगा, यह क्रम संख्या 19 से 25 तक, इन दो जगह पे इसको लागू नहीं किया जाता है। अध्याय 8 और 9 में नहीं लागू होगा और 19 से 25 तक यह लागू नहीं होता। ठीक है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि यह किन अध्याय में लागू नहीं होता है, धारा या फिर किन जो है एक्ट अनुसूची में यह लागू नहीं होता। ठीक है, किस जो है विनिर्दिष्ट में इसको लागू नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे 19 से 25 है और अध्याय आपका 8 और 9 है, इन दो चीज़ों को छोड़कर यह हर एक जगह पर लागू होता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनेगा कि धारा दो में आपको किस चीज़ के बारे में बताया गया, तो संहिता का लागू होना, मतलब एक्ट का लागू होना आपको बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन निकालना और ऐसे आपको यहाँ पे देखना है, समझना है। अगला हम पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि संहिता का नए क्षेत्रों में विस्तार, यहाँ पे हम समझते हैं कि जो ये आपकी एक्ट है इसका नए क्षेत्रों में विस्तार कैसे हुआ है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, धारा दो में आपका क्या है, धारा दो में यह है, एक मिनट, हाँ, धारा दो में संहिता का लागू होना बताया गया। ठीक है, धारा दो में संहिता का लागू होना बताया गया है, लेकिन धारा तीन में आपका क्या बताया गया, धारा तीन में यह बताया गया कि यह नए क्षेत्रों में कैसे लागू होता है, नए क्षेत्रों में यह कैसे वर्क करेगा, ये धारा तीन में बताया गया। तो पहले से चीज़ें जो लागू हैं उनको कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, उनको पढ़ते हैं धारा दो में, जहाँ कहाँ पे लागू है, धारा दो में, और नए क्षेत्रों में कैसे इसको लागू कर सकते हैं उसको हम धारा तीन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जहाँ संहिता लागू है वहाँ तो लागू है, जहाँ अलग से लागू करना है वहाँ पे धारा तीन में हम संशोधन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका विस्तार करते हैं। अब यहाँ पे हम निष्कर्ष पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश का विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में है और यह इन क्षेत्रों में लागू नहीं, धारा अध्याय 8 और 9 में लागू नहीं है। तो यहाँ से आपके जो है 5 क्वेश्चन वो और 3 क्वेश्चन ये, 9-10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। पहले क्वेश्चन से आपके
10 क्वेश्चन यहाँ से लगभग बन गए, ठीक है। अब इसको आप अगर जो पहले क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आपने लिख लिया तो वैसे आपके जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको समझना है कि कैसे हमको क्वेश्चन निकालना है और कैसे उसको पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन तीनों चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। निकाल के तो हम आपको दे ही रहे हैं, बस उसको याद आपको करना है। ये अगर जो आप पूरी PDF याद कर लोगे तो आपका अच्छा खासा पेपर सॉल्व करने का जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन पे जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अंतर्गत भूमि एवं भूमि धारक से आप क्या समझते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भूमि और भूमि धारक से आप क्या समझते हैं। तो भूमि का तात्पर्य जो है अध्याय 7 और 8 और 80, 81, 136 के सिवाय ऐसी भूमि है जो कृषि के लिए उपयोग की जाती है। तो भूमि के अंतर्गत आपकी कौन सी जमीन नहीं आती है, नंबर 1 पे अध्याय 7 और 8 वाली जमीन और नंबर 2 पे धारा 81, 80 और 136, ये 5 धाराएं जो होती हैं ये आपकी जो भूमि के अंतर्गत ये जमीनें में नहीं आती हैं, ठीक है। तो आपका एक आपका ये धारा वाला क्वेश्चन बनेगा, कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, अध्याय 7 और 8, ये एक आपका क्वेश्चन ये हो गया कौन सी भूमि जो है आपकी अध्याय वाली नहीं है और दूसरा आपका ये धारा वाला। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि भूमि का तात्पर्य क्या है या फिर भूमि धारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है अगर जो सब्जेक्टिव होता तो आपके लिए बढ़िया था, लेकिन अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, भूमि को किस धारा में बताया गया है, भूमि शब्द को किस धारा में बताया गया है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। और क्या बनेगा कि भूमि धारक किसे कहते हैं, मतलब भूमि धारक को कौन सी धारा में बताया गया। तो भूमि धारक को हम लोग धारा चार की उपधारा 15 में इसको देखते हैं। और भूमि को हम धारा 4 की उपधारा 14 में इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन हो गए इस। अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है कि भूमि क्या होती है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए भूमि क्या, भूमि से हमारे अब कौन सा क्वेश्चन बन सकते हैं इसको यहाँ पे देखें। तो भूमि से हमारे क्वेश्चन क्या बनते हैं, ऐसी संपत्ति, कौन सी संपत्ति, ऐसी आपकी संपत्ति हाँ भूमि पर देखिए कि ऐसी आपकी संपत्ति, एक मिनट, हाँ सॉरी, भूमि के शब्दों में हम क्या समझते हैं, व्यावसायिक अर्थ में चल ये संपत्ति नहीं होती है, ये आपकी अचल संपत्ति होती है। इसमें इमारत और उपकरण शामिल नहीं होते हैं, जो निश्चित स्थानीय सीमाओं द्वारा निर्दिष्ट होती है वो भी इसमें शामिल नहीं होती, ठीक है, निर्दिष्ट होती है। भूमि स्वामित्व शीर्ष धारक को उनकी भूमि की सीमाओं के भीतर मौजूद किसी प्राकृतिक संसाधन का अधिकार प्रदान कर सकता है। तो भूमि आपकी क्या होती है, एक अचल संपत्ति होती है, इसमें आपकी इमारतें और उपकरण शामिल नहीं होते। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि की बिक्री से पूंजीगत लाभ या हानि होती है, यह भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पूंजी भूमि से आपका कौन सा हानि या लाभ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भूमि एक बस जमीन का टुकड़ा है, पृथ्वी का टुकड़ा है, ठीक है, वो आपके जो है जब थ्योरी का क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अब भूमि एक प्राकृतिक संपत्ति के रूप में अगर इसको हम देखें तो क्या है, भूमि में वह सब कुछ शामिल है जो जमीन पर है, जिसका अर्थ इमारत, पेड़ और पानी का हिस्सा है, एक संपत्ति है। भूमि शब्द में किसी विशिष्ट क्षेत्र या फिर संपत्ति के टुकड़े को प्राकृति द्वारा प्रदत्त सभी भौतिक तत्व शामिल हैं। प्रकृति द्वारा सभी भौतिक तत्व शामिल कौन कौन से, पर्यावरण, खेत, जंगल, खनिज, जलवायु, जानवर, शरीर या फिर पानी के स्रोत, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। एक जमींदार अपनी संपत्ति पर प्राकृतिक संसाधनों का खजाना पाने का हकदार होता है, जिसमें पौधे मामले, पौधे मानव और
पशु जीवन मिट्टी खनिज ये सारी चीज़ें उसमें घटनाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। अब भूमि के मुख्य उपयोग आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भूमि के मुख्य उपयोग क्या होते हैं, तो वहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, निवास वाणिज्यिक ये सारी चीज़ें आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब भूमि धारक को अभी हमने आपको बताया था कि धारा चार की उपधारा 14 में बताया गया है, भूमि धारक को 14 या 15 में बताया गया भूमि धारक को। ठीक है, तो भूमि धारक का अर्थ एक जमींदार, या फिर ऐसे कह सकते जो भी पर्सन टैक्स पे करता है भूमि के लिए, वो आपका क्या होता है, एक भूमि धारक होता है। जो भूमि में रुचि रखता है और कानून में कोई भी कानूनी आवश्यकता शामिल है, ठीक है, वह अपना उसमें टैक्स पे करता है, तो वह भूमि के लिए जो है होता है, भूमि के लिए वह टैक्स पे करना चाहिए उसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में राज्य क्षेत्रों का क्या अर्थ है। राज्य क्षेत्रों का अर्थ यहाँ पे समझते हैं, तो धारा 5 में जो है राज्य क्षेत्रों का विभाजन और धारा 6 में राजस्व क्षेत्रों का गठन को बताया गया है, और ये दोनों चीज़ें अध्याय 2 में हैं। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राजस्व क्षेत्रों का विभाजन किस धारा में बताया गया है, तो धारा 5। ठीक है, राजस्व क्षेत्रों का जो गठन किस धारा में बताया गया, तो धारा 6। राजस्व क्षेत्रों का जो विभाजन कौन से अध्याय में बताया गया, तो अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 में किस चीज़ को बताया गया है, राज्य क्षेत्रों का गठन। तो यहाँ से आपका 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। राज्य क्षेत्रों का जो विभाजन है वो कैसे आपका बना है, वो ऐसे बनता है कि 2 या 2 से अधिक जिलों से मिलकर, तहसीलों से मिलकर आपका जिला बनता है, आपका परगना से मिलकर आपका जो तहसील बनता है, और गाँव से आपका परगना मिलता बनता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझेंगे इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे अभी मान लीजिए ये आपका एक गांव है, तो एक ये गांव और मान लो 2 या फिर 2 से अधिक, तो मान लो एक ये भी गांव है, तो इन तीनों गांव को अगर मिला दिया जाता है तो इससे क्या बनता है, परगना बनता है। ठीक, अब एक ये परगना है, इस परगना को कई परगना जो अगर मिल जाते हैं तो क्या होता है, तब हमारी तहसील बनती है। ठीक है, तहसील बनती है। अब एक ये तहसील जो होती है, इसमें कई सारी तहसील जब मिल जाती हैं तो इसमें क्या होता है, तो ये हमारा एक जिला बनता है। ये हमारा एक जिला बन जाता है। तो इसी तरह से राजस्व क्षेत्रों का विभाजन होता है, और इसी तरह से आपका राजस्व क्षेत्रों का गठन होता है। अब देखो, गठन में कई, जब मिलाना होता है तब उसका गठन हो जाएगा, जब विभाजन करना होता है तो जैसे आपका जो है जिला बना, तो जिलों को जो है हम कहाँ पे, तो हमने उसको तहसीलों में जो है डिवाइड कर दिया, तो आपका डिवीजन हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपका गठन और डिवीजन दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट आपका है, जिले, तहसील, परगना, राजस्व निरीक्षण हलके या फिर लेखपाल हलके और गांव, ये सारी चीज़ों जो हैं कहाँ आती हैं, इस धारा के अधीन विधिनिष्ठ राजस्व क्षेत्र समझे जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं राजस्व क्षेत्रों में आती हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्व परिषद से आप क्या समझते हैं। राजस्व परिषद को यहाँ पे थोड़ा हम टाइम देंगे। राजस्व परिषद से आप क्या समझते हैं, और इसके अधीन अधिकारिता एवं कार्यों का और शक्ति का जो है हमको वर्णन करना है। तो इससे हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको यहाँ पे हम समझते हैं। एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राजस्व परिषद एक होता है, उसमें आपका कौन सा होगा, राजस्व परिषद में कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा और उसके सदस्य होंगे जिसे राज्य सरकार क्या करते हैं, नियुक्त करती है। हमारा क्वेश्चन एक ये बना, राजस्व परिषद में कौन कौन होता है, अध्यक्ष और उसके सदस्य, नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है। परिषद के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा, परिषद के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा, मतलब जो प्रशासनिक सदस्य होगा वो उसमें नियुक्त नहीं होगा। ठीक है,
परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, वही चीज़ आपकी है। राज्य सरकार नियुक्त करते समय या उसके पश्चात किसी समय भी किसी भी सदस्य का परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में पद निमित कर सकती है और किसी ऐसे सदस्य को केवल न्यायिक कार्य आवंटित कर सकती है। वो सरकार पर डिपेंड करती है किसे वह न्यायिक सदस्य के रूप में चुनती है, ठीक है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका यहाँ पे एक पॉइंट है। अब यहाँ पे अगले आपके पॉइंट में हम जाते हैं परिषद की अधिकारिता, कि परिषद के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। परिषद की अधिकारिता को धारा 8 में बताया गया है और इसमें कुछ अधिकार होते हैं, उनको यहाँ पे हम समझते हैं। उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन परिषद इस संहिता या फिर तस्मय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या फिर उसके कृत्यों का जो है क्या निर्वहन करता है, वो अपने कार्यों का निर्वहन करता है, ठीक है। कार्य का वितरण एवं इसकी शक्तियां जो है धारा 9 में बताया गया। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है, कार्य का वितरण और यहाँ से कैसे जो है वो क्वेश्चन बनेगा, ये आपको धारा 9 में बताया गया है। अब यहाँ पे आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि केवल आपका यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है कि उसका जो वितरण है काल का उसको यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले या फिर विशिष्ट मामले के वर्ग के लिए एक से अधिक सदस्य वाली पीठ का गठन कर सकती है, कर सकेगा, ठीक है। ये अध्यक्ष के लिए जो है क्या होती है, अध्यक्ष के पास ऐसी शक्ति होती है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है यहाँ पे परिषद के विनिश्चय को यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं। धारा 10 में इसको बताया गया है, ठीक है, जहाँ पीठ का गठन करने वाले परिषद के सदस्य किसी मामले के विनिश्चय के संबंध में अपनी राय बराबर विभाजित हो जाती है, तो वहाँ पे अध्यक्ष द्वारा गठित की गई पीठ द्वारा की जाएगी। मामले को विनिश्चय ऐसी पीठ का गठन करने वाले सदस्यों की राय और उसके बहुमत के द्वारा निपटारा करवाया जाएगा, ठीक है, ये चीजें हैं। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है, अगला आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के अंतर्गत कलेक्टर की शक्तियां और उसके कर्तव्य के बारे में बताना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता धारा 12 में आपको क्या बताया गया है, धारा 12 में आपको जो बताया गया है वो आपको कलेक्टर और अपर कलेक्टर के बारे में बताया गया है, ठीक है। किसके धारा में 12 में, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 12 में हमको ये चीज़ें बताई गई हैं। अब कलेक्टर आपका क्या होता है, इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, ये जो है सिंपल सा चीज़ अगर जो कहो तो आपको आम बोलचाल की भाषा में इसको पता होता है, बट यहाँ पे हमको कैसे उसका जवाब देना, कैसे आंसर लिखना है, ठीक है, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका धारा 12 में इसको बताया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 12 में, राज्य सरकार किसी जिले में एक या फिर एक से अधिक कलेक्टर को नियुक्त कर सकती है, कौन, राज्य सरकार, और राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर को नियुक्त करती है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह जो है एक से अधिक अगर चाहे तो अपर कलेक्टर को नियुक्त कर सकती है। अपर कलेक्टर राज्य सरकार या फिर कलेक्टर के निर्देश को जो है पालन करते हैं, उनके शक्तियों का जो है प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज यहाँ पर हुई। कलेक्टर जो है वो जो है सिंपल सा चीज देखो, यहाँ पे कलेक्टर पर संहिता आपकी लागू होती है, लेकिन वह जो है एक रेवेन्यू के रूप में होती है। राज्य सरकार नियुक्त करते समय या फिर उसके पश्चात कलेक्टर को जो है या फिर अपर कलेक्टर को उनके पद को जो है दे भी सकती है, उनको अलग से पद कोई भी दे सकती है, या फिर उनको है क्या कर सकती है, रेवेन्यू के रूप में चेंज करवा सकती है, ठीक है। इसका मतलब मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई पर्सन है वहाँ पे कलेक्टर के रूप में, तो उसको नए भार सरकार सौंप भी सकती है, ठीक है, जैसे वो न्यायिक है तो उसको रेवेन्यू वाला भी सौंप सकती है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज़ मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है। जिला में उपायुक्त राजस्व कलेक्टर जो होता है वो आपका
उपायुक्त राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी वहाँ पे होता है, ठीक है। और वह क्या करता है, वह डिविजनल कमिश्नर और वित्तीय आयुक्त राजस्व के माध्यम से सरकार के लिए एक जिम्मेदार होता है। वह भूमि राजस्व के बकाए के रूप में शुल्क को जो है जमा करवाता है, वसूली करवाता है, ठीक है। वह भूमि के संबंध में अधिकारों के सटीक और उत्थान के रिकॉर्ड को रख रखाव वह रखता है, ठीक है। वो सारे रख रखाव की जिम्मेदारी, कागजों की जिम्मेदारी वह रखता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वह तहसील में तैनात पटवारी और कानूनगो मंत्री स्त्री स्टाफ के लिए जो है, और उपमंडल अधिकारी और उपायुक्त के कार्यालयों में नियुक्त करने का अधिकार वह रखता है, ठीक है। उन चीज़ों पे वहाँ पे जो राजस्व से वह संबंधित होते हैं। अब जिला मजिस्ट्रेट और या फिर कलेक्टर के कार्य और उसकी शक्ति को यहाँ पे थोड़ा और भी हम देखेंगे। जिला मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर जिले का मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। कौन होता है? मुख्य होता है। वह जिले में कार्य कर रही विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य आवश्यक समन्वयों की स्थापना करता है और जिला मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर के कार्य और दायित्वों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया, जो यहाँ पे लिखना आवश्यक हमने समझा नहीं इसलिए वहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका और भी है कि यहाँ पे जो अंतर्गत आपके तहसीलदार और नायब तहसीलदार आते हैं उनके कार्यों की विवेचना, और ये भी आपका लैंड लॉ में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तहसील और नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन में प्रमुख अधिकारी होते हैं और असिस्टेंट कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। विभाजन के मामलों में निर्णय करते समय तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को रखता है और वह तहसीलदार और नायब तहसीलदार को अपने क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर दौरा करना पड़ता है, ठीक है। और राजस्व रिकॉर्ड और फसल के आंकड़ों का भी उन्हें ब्यौरा बनाना पड़ता है। अगला आपका यहाँ पर पॉइंट, अब ये आपका जो है तहसीलदार और नायब तहसीलदार है, ठीक है, न्यायिक तहसीलदार, इसको धारा 14 में बताया गया, तो यहाँ से भी आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इतना था, तो इम्पॉर्टेंट वो आपको बता दिए। वैसे पूरे जो है आपके 11-12 क्वेश्चनों की PDF है, तो यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट, बट हम आपको अब जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे थोड़ा एक व्यू मिल गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हम आपको अब जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, अब वहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन करिए। थैंक यू, और पढ़ते रहिए, टेक केयर।